हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर वन एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, पेपर एट का ही न्यूमेरिकल मेथड का ये चैप्टर वन है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें सीखेंगे क्या कि एरर किसे बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन किसे बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, ये सब सब इस चैप्टर में है। और इससे 2015-16 में से क्वेश्चन रिलेटेड आता था, 17 में मे भी आया हो, लेकिन 18 में जो था नहीं था, बट स्मॉल जो हमारा होता है 2 मार्क्स का वो हमारा आया हुआ था मे बी, तो इसमें लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया हुआ था, तो मे बी आ सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है कि डिफिनेशन आता है, 2-3 का डिफिनेशन आ जाएगा एक में, और दूसरा आ जाता है क्या कि हमें इसमें निकालना पड़ता है, जैसे एरर आता है तो एरर का अलग अलग पार्ट होता है, तो एरर इसमें रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है, मे बी रिलेटिव आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन किसे बोलते हैं। अप्रोक्स मानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि दो, जैसे कि एग्जैक्ट होता है कुछ, ठीक है, जैसे हमारा 2, 4, 6, 8 कुछ एग्जैक्ट नंबर है ये हमारा, लेकिन वही इसमें क्या हो जाता है कि एग्जैक्ट कुछ कुछ नंबर जो हमारे होते हैं एग्जैक्ट नहीं होते, जैसे कि √2 का वैल्यू, फिर √3 का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू, ये सब तो एग्जैक्ट नहीं है, भले मान लिया गया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लिखते, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का अगर डिफिनेशन आ जाएगा तो फिर अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे हम, तो लिखना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है, दोज जो कि है विच आर एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट, एंड दोज विच आर डिनोटेड टू सर्टेन वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिग्री। ठीक है, तो सर्टेन वैल्यू ऑफ डिग्री यही होता है, इसी को बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेशन, इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। जो सर्टेन वैल्यू ऑफ डिग्री होता है इसी को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है। ठीक, देन देखिए, और उसके बाद फिर क्या हो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का भी डिफिनेशन आता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है, उम्मीद है कि अप्रोक्सीमेशन समझ में आया हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू मींस क्या हो गया कि हम मान लेते हैं, जैसे कि √2 का वैल्यू जैसे आता है, √3 का आता है, तो जैसे मान लेते हैं क्या कि एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि हमारा आ रहा है 0.34893385 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानेंगे, मीन्स क्या हो गया कि हम पॉइंट के बाद हम कुछ भी डिजिट ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं या 4 तक ले सकते हैं या 5 तक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम क्या करेंगे कि 0.34, और देखिए यहाँ पे हम लेना चाहते हैं 8 तक ही। ठीक है, तो 9 जो होता है, तो 9 इसका जो हम रूल बचपन में सीखे थे वो क्या होता है कि 9 रहा यहाँ पे तो 1 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम यहाँ तक ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही होता है हमारा। देन देखिए फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेट होता है, इज एन अप्रोक्सीमेट, इज एन अप्रोक्सीमेट टू द सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन यूज वेन क्या होता है कि एनालिटिक
सॉल्यूशन आर हार्ड, और इम्पॉसिबल टू फाइंड ऑल सॉल्यूशन। जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन है, इसका तो इम्पॉसिबल है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, क्योंकि ये कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करते हैं ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। देन ऑफन यूज व्हेन एनालिटिक सॉल्यूशन आर हार्ड और इम्पॉसिबल टू फाइंड ऑल सॉल्यूशन आर अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेशन सम बेटर देन बेटर, सम बेटर देन बेटर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ न्यूमेरिकल मैथड, न्यूमेरिकल मेथड इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ तक इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का डिफिनेशन हो जाएगा। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट में अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है हमारा, जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ऐसा डिजिट जो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या, यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं समझा दूँ या फिर बाद में एग्जांपल, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं फिर बाद में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट का होता है कि द डिजिट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर, नंबर उसमें नंबर ही लेते हैं, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट डिजिट, और हम सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं इसको, फिगर, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो रूल होता है वो 5 रूल होता है इसमें, ठीक। सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने का 5 रूल होता है। तो नंबर 1 रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। नंबर 1 क्या हो जाएगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, तो देखिए 2, 3, 4, 5 सारे नंबर है हमारा, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1, 2, 3, 4, ठीक। ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट, कोई भी नंबर हो तो वो हमारा सारा सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है। देन सेकेंड हम देखेंगे क्या कि ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि 3085, ठीक है। तो देखिए सॉरी देखिए 3085, तो देखिए ये हमारा क्या नॉन जीरो है, ये हमारा जीरो, तो नॉन जीरो के बीच में जो आ रहा है जीरो, तो वो भी हमारा इसमें काउंट हो जाएगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट 4 हो गया। इसी तरह से थर्ड जो होता है हमारा, तो वो क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, देखिए 4000, 4000 फॉलोइंग और डेसिमल पार्ट पता होगा सभी को, डेसिमल पॉइंट को बोलते हैं,
आर सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा 2500 है, ठीक है, तो यहाँ बोला ट्रायल इज जीरो फ्लोइंग अ डेसिमल पार्ट, मींस क्या कि डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे कि ये सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, वन यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 3 4, तो ये सिग्निफिकेंट हमारा 4 हो गया, सारा में 4 ही आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद हमारा 0 आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंटिंग होगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर हमारा क्या होगा कि 0 बिटवीन 0 बिटवीन किसके, डेसिमल पार्ट के बीच में, ठीक है, डेसिमल पार्ट पार्ट्स प्रीसीडिंग 0 डिजिट, प्रीसीडिंग 0 डिजिट, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट। ये कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 0.0 हमारा क्या बोल रहा है कि 0 बिटवीन डेसिमल पार्ट, डेसिमल यहाँ है तो 0 बिटवीन डेसिमल पार्ट, तो देखिए डेसिमल यहाँ पे बीच में रहेगा और 0 डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, अगर ऐसा आ जाए और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, तो ये हमारा जो ये पार्ट जो हमारा होगा ये हमारा काउंटिंग नहीं होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली फॉर ये पार्ट काउंटिंग होगा, तो इसका जो सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट, ठीक है। देन एक फाइनली लास्ट बचता है क्या कि 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या होता है कि व्हेन द डेसिमल पॉइंट जो हमारा होता है इज नॉट रिटर्न, अगर डेसिमल पॉइंट हमारा रिटर्न नहीं देगा, मींस लिखा हुआ नहीं देगा, तो ट्रैली 0 आर नॉट कंसिडर, तब वो हमारा कंसिडर नहीं होगा, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है तो जो हमारा 0 लिखा देगा वो कंसिडर नहीं होगा टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि 2400, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल, कोई डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है, ओनली फॉर 2400 दिख रहा है, तो डेसिमल है ही नहीं, पॉइंट कहीं है ही नहीं, तो इसका जो सिग्निफिकेंट होगा ओनली फॉर 1 और 2, ये वाला हमारा काउंट होगा, हो जाएगा इसका जो सिग्निफिकेंट है वो हमारा 2 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे नंबर 1, ठीक, जैसे हमारा 5392, तो बताइए इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो जितना रूल बताया है उस रूल के हिसाब से देखिए, इसमें क्या है कि एक भी डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है, और क्या कि 0 भी नहीं है, अगर डेसिमल पार्ट नहीं रहता और 0 रहता तो उसको काउंट नहीं करता, तो यहाँ पे 0 भी नहीं, ओनली फॉर नंबर है, तो जो हमारा 1 वाला था तो 1 का जो पार्ट था वही हमारा क्या है कि जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट, तो सारा हमारा नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट डिजिट सारा काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट हमारा 4 हो जाएगा। और सेकेंड देखते हैं क्या कि 0.032 ले लेते हैं, ठीक, तो देखिए इसमें क्या था कि हमारा 4 वाला रूल, फोर्थ रूल देखिए, ये फोर्थ रूल हमारा क्या है कि 0 बिटवीन डेसिमल पार्ट्स, मींस क्या हो गया कि डेसिमल पार्ट्स हमारा जो है उस जो है वो बिटवीन है 0 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे 0 के बीच में डेसिमल पार्ट है, यहाँ पे भी 0 के बीच में डेसिमल पार्ट है, तो वो हमारा ये हमारा कंसीडर नहीं होगा सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ओनली फॉर कंसीडर क्या होगा 1 2, ये कंसीडर होगा तो इसका सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगा। फिर थर्ड में देखते हैं क्या कि तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 6290 ले लेते हैं, तो देखिए हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है कि डेसिमल पार्ट नहीं है, तो डेसिमल पार्ट कहीं नहीं है, ऑल नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट, सारा नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट तो नॉन जीरो ये है लेकिन ये हमारा 0 है, तो फिफ्थ वाला जो हमारा कंडीशन होता है उस हिसाब से क्या हो जाता है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता, 0 जो हमारा था सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता, तो इसका जो सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ होमवर्क दूंगी तो आप लोग उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसमें। देन फोर्थ,
फोर्थ नंबर में हम समझ लेते हैं क्या कि वन पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या कि जीरो जीरो जीरो, ठीक, तीन जीरो समझ लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो कितना होगा। यहाँ पे जो रूल था हमारा वो क्या था कि थर्ड रूल, देखिए थर्ड रूल में सीधे जाइए तो क्या है कि ट्रैली जीरो फ्लोइंग और डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, मीन्स डेसिमल पार्ट के बाद अगर जीरो हुआ तो वो हमारा सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो डेसिमल पार्ट के बाद देखिए जीरो है यहाँ पे, तो हमारा सिग्निफिकेंट में काउंटिंग होगा। तो सिग्निफिकेंट हमारा यहाँ पे इसका कितना होगा, वन टू थ्री फोर सिग्निफिकेंट होगा, तो हमारा फोर सिग्निफिकेंट हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक। देन अब हम देख सकते हैं क्या कि अब मैं कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो बताइए आप क्या कि 7560 का सिग्निफिकेंट कितना होगा, ये मुझे कमेंट करके बताना है। नंबर वन लिख देती हूँ, और नंबर टू में क्या कि 2500 का सिग्निफिकेंट बताना है, और नंबर थ्री में क्या कि 0.0201 का सिग्निफिकेंट बताना है। ये तीनों का मेरा जो तीनों है उसका सिग्निफिकेंट आपको कमेंट करके बताना है।